नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, दाऊद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी संचालित एनई जीरोवाला प्राथमिक स्कूल दाहोद प्रस्तुत ई लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है कविता को समझेंगे। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य का वर्णन किया गया है। वर्षा के सुहावने मौसम का भी वर्णन है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। बच्चों, अब हम कविता को गाएंगे। आपको भी मेरे साथ कविता गानी है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब झम झम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। जब झम झम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बने बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, अब हम काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कवि यह कहते हैं कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर, सुबह यानी भोर जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है कि मानो वह खुशी के गीत गा रही हो। बच्चों, आपने देखा होगा सुबह होने पर प्रकृति में एक अलग बदलाव आता है। सुबह होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। इस तरह के बदलाव बच्चों हम सुबह देख सकते हैं। दूसरी पंक्ति,
कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और मानो कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। और चारों ओर खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर फैलने लगती है। इसकी बाद की पंक्ति में कवि कहते हैं, हे जगके सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं। हे प्रभु, हमें तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे आपकी याद आती है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छमछम की आवाज करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा चमक उठता है और मैदानों में और वन बागों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। इसकी बाद वाली पंक्ति में कवि कहते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जगके सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। ढोना मतलब बोझ उठाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, तुम्हारी याद हमें आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य हमने देखा, इसका भावार्थ भी हमने समझा। अब आपको इसके शब्दों के अर्थ देखने हैं। चिड़िया शब्द का अर्थ है पंछी, पक्षी। लहर शब्द का अर्थ है तरंग, झोंका। सृजनहार शब्द का अर्थ है सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। हरियाली शब्द का अर्थ है हरा भरा। ढोना शब्द का अर्थ है बोझ उठाना। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको यह कविता और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।